LibreOffice Impress पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि स्लाइड्स के लिए बैकग्राउंड्स और लेआउट कैसे लागू करें। यहां हम Ubuntu Linux वर्जन 10.04 और LibreOffice Suite वर्जन 3.3.4 इस्तेमाल कर रहे हैं। बैकग्राउंड स्लाइड पर लागू किए गए तमाम रंगों और असरात का हवाला देता है जो मौजूदात के पीछे मौजूद होते हैं। LibreOffice Impress में कई बैकग्राउंड ऑप्शंस हैं जो बेहतर प्रेजेंटेशन बनाने में आपकी मदद करते हैं। आप भी अपने खुद के कस्टम बैकग्राउंड्स बना सकते हैं। sampleimpress.odp प्रेजेंटेशन खोलें। अपनी प्रेजेंटेशन के लिए कस्टम बैकग्राउंड बनाएं। हम इस बैकग्राउंड को प्रेजेंटेशन की तमाम स्लाइडों पर भी लागू करेंगे। हम इस बैकग्राउंड को दिखाने के लिए स्लाइड मास्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। मास्टर स्लाइड पर की गई कोई भी तब्दीली प्रेजेंटेशन की तमाम स्लाइडों पर लागू होती है। मेन मेन्यू में से व्यू पर क्लिक करें, मास्टर मुंतखब करें और स्लाइड मास्टर पर क्लिक करें। मास्टर स्लाइड जाहिर होती है। नोट करें कि मास्टर व्यू टूल बार भी दिखाई देता है। आप इसका इस्तेमाल मास्टर पेजेस बनाने, डिलीट और नाम तब्दील करने के लिए कर सकते हैं। तवज्जो दें कि वो दोनों स्लाइड्स अब दिखाई दे रही हैं। यहाँ दो मास्टर पेजेस हैं जिनका इस प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल किया गया है। टास्क्स पेन में मास्टर पेजेस पर क्लिक करें। Used in this presentation field इस प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल किए गए मास्टर स्लाइड्स जाहिर करता है। मास्टर स्लाइड टेम्पलेट जैसी है। आप यहाँ फॉर्मेटिंग प्रेफरेंसेस मुकर्रर कर सकते हैं जो बाद में प्रेजेंटेशन में तमाम स्लाइडों पर लागू किए जाते हैं। पहले स्लाइड्स पेन से स्लाइड 1 मुंतखब करें। इस प्रेजेंटेशन पर सफेद बैकग्राउंड लागू करें। मेन मेन्यू में से फॉर्मेट पर क्लिक करें और पेज पर क्लिक करें। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है। बैकग्राउंड टैब पर क्लिक करें। फिल ड्रॉप डाउन मेन्यू में से बिटमैप ऑप्शन मुंतखब करें। ऑप्शन की फहरिस्त से ब्लैंक मुंतखब करें और ओके पर क्लिक करें। स्लाइड में अब सफेद बैकग्राउंड है। नोट करें कि मौजूदा टेक्स्ट कलर बैकग्राउंड के सामने बहुत अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। हमेशा ऐसा रंग मुंतखब करें जो इसके बैकग्राउंड के सामने साफ दिखाई दे। टेक्स्ट का रंग स्याह में तब्दील करें। ये सफेद बैकग्राउंड के सामने टेक्स्ट को वाजह तौर दिखाई देने के काबिल बनाएगा। पहले टेक्स्ट को मुंतखब करें। मेन मेन्यू में से फॉर्मेट पर क्लिक करें और कैरेक्टर मुंतखब करें। कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है। कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स से फॉन्ट इफेक्ट्स के टैब पर क्लिक करें। फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन से ब्लैक मुंतखब करें। ओके पर क्लिक करें। अब टेक्स्ट स्याह रंग में है। अब रंग को स्लाइड पर लागू करें। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए स्लाइड पर राइट क्लिक करें, फिर स्लाइड और फिर पेज सेटअप पर क्लिक करें। फिल ड्रॉप डाउन मेन्यू में से कलर ऑप्शन मुंतखब करें, ब्लू 8 मुंतखब करें और ओके पर क्लिक करें। नोट करें कि जो हमने हल्का नीला रंग मुंतखब किया है वो स्लाइड पर लागू हो गया है। इस ट्यूटोरियल को रोक दें और ये मश्क करें। नई मास्टर स्लाइड तैयार करें और बैकग्राउंड के तौर पर सुर्ख रंग लागू करें। अब सीखते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में दीगर डिजाइन एलिमेंट्स कैसे जोड़ें। मसलन आप अपनी प्रेजेंटेशन में एक लोगो का इजाफा कर सकते हैं। आप स्क्रीन के नीचे बेसिक शेप्स टूल बार को देखें। आप इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ बुनियादी शक्लें बनाने के लिए कर सकते हैं, जैसे दायरे, चौकोर, मुस्ततील, तिकोन, अंडानुमा दायरा वगैरह। स्लाइड के टाइटल इलाके में एक रेक्टेंगल यानी मुस्ततील बनाएं। बेसिक शेप्स टूल बार से रेक्टेंगल पर क्लिक करें। अब टाइटल एरिया में स्लाइड के ऊपर के बाएं कोने पर कर्सर ले जाएं। आप कैपिटल आई के साथ प्लस साइन देखेंगे। बायां माउस बटन पकड़कर रखें और एक छोटा मुस्ततील बनाने के लिए ड्रैग करें। अब माउस बटन छोड़ दें। आपने मुस्ततील बना लिया है। मुस्ततील में 8 हैंडल्स पर तवज्जो दें। हैंडल्स या कंट्रोल पॉइंट्स छोटे नीले चौकोर हैं जो मुंतखब ऑब्जेक्ट के किनारों पर जाहिर हो रहे हैं।
हम मुस्ततील के साइज को एडजस्ट करने के लिए इन कंट्रोल पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल पॉइंट पर अपना कर्सर घुमाते हैं, कर्सर एक डबल साइडेड एरो में तब्दील होता है। ये उस सिम्त इशारा करता है जिसमें कंट्रोल पॉइंट को मुंतकल करके असली शक्ल में अदला बदली की जा सकती है। इस मुस्ततील को वसी करें ताकि वो टाइटल एरिया को मुकम्मल तौर ढक ले। हम इन शक्लों को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। कंटेक्स्ट मेन्यू देखने के लिए मुस्ततील पर राइट क्लिक करें। यहाँ आप मुस्ततील को तब्दील करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस मुंतखब कर सकते हैं। एरिया पर क्लिक करें, एरिया डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है। फिल फील्ड में ड्रॉप डाउन मेन्यू में से कलर मुंतखब करें। मैजेंटा 4 मुंतखब करें और ओके पर क्लिक करें। मुस्ततील का रंग तब्दील हो गया है। मुस्ततील ने टेक्स्ट को अब ढक लिया है। टेक्स्ट को जाहिर करने के लिए पहले मुस्ततील मुंतखब करें। कंटेक्स्ट मेन्यू खोलने के लिए अब राइट क्लिक करें, अरेंज और फिर सेंड टू बैक पर क्लिक करें। टेक्स्ट दोबारा दिखाई दे रहा है। यहाँ मुस्ततील टेक्स्ट के पीछे चला गया है। टास्क पेन में मास्टर पेज के प्रीव्यू पर क्लिक करें। राइट क्लिक करें और अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स मुंतखब करें। क्लोज मास्टर व्यू बटन पर क्लिक करके मास्टर व्यू बंद करें। अब मास्टर में की हुई फॉर्मेटिंग तब्दीलियों को प्रेजेंटेशन की तमाम स्लाइडों में लागू कर दिया गया है। नोट करें कि मुस्ततील भी तमाम पेजेस में जाहिर होता है। अब स्लाइड्स का लेआउट तब्दील करना सीखते हैं। लेआउट्स क्या हैं? लेआउट स्लाइड टेम्पलेट्स हैं जो प्लेस होल्डर के साथ कंटेंट की हालत के लिए पहले से ही फॉर्मेटेड हैं। स्लाइड लेआउट देखने के लिए दाएं पैनल से लेआउट्स पर क्लिक करें। इम्प्रेस में मौजूद लेआउट्स जाहिर होते हैं। लेआउट थंबनेल्स देखें। ये लेआउट्स नाफिद करने के बाद स्लाइड कैसे नजर आएगी इसकी मालूमात देता है। यहाँ टाइटल और टू कॉलम फॉर्मेट के साथ लेआउट्स हैं। लेआउट्स जहाँ आप टेक्स्ट 3 कॉलम्स में रख सकते हैं वगैरह। यहाँ खाली लेआउट भी है। आप अपने स्लाइड में एक खाली लेआउट दे सकते हैं, फिर अपने खुद का लेआउट बना सकते हैं। स्लाइड में लेआउट का इतलाक करें। पोटेंशियल अल्टरनेटिव्स स्लाइड मुंतखब करें और मुकम्मल टेक्स्ट डिलीट करें। अब दाएं तरफ की लेआउट पेन से टाइटल 2 कंटेंट ओवर कंटेंट मुंतखब करें। अब स्लाइड में 3 टेक्स्ट बॉक्सेस और टाइटल एरिया हैं। नोट करें कि जो मुस्ततील हमने मास्टर पेज का इस्तेमाल करते हुए दाखिल किया था अब भी नजर आ रहा है। इस मुस्ततील में सिर्फ मास्टर स्लाइड का इस्तेमाल करते हुए तरमीम की जा सकती है। मास्टर स्लाइड की सेटिंग्स यानी तरतीबात किसी भी फॉर्मेटिंग तब्दीली या स्लाइड पर लागू लेआउट्स को ओवरराइड करती हैं। अब इन बॉक्सेस में कंटेंट दर्ज करें। पहले टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करें स्ट्रेटजी 1 प्रो : लो कॉस्ट कॉन : स्लो एक्शन। दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करें स्ट्रेटजी 2 कॉन : हाई कॉस्ट प्रो : फास्ट एक्शन। तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करें ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स : स्ट्रेटजी 1 इज बेटर। आप इसी तरह लेआउट की किस्म मुंतखब कर सकते हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन के लिए सबसे ज्यादा साजगार हो। अब ये ट्यूटोरियल इख्तिताम पजीर होता है। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि स्लाइड के लिए बैकग्राउंड और लेआउट्स कैसे लागू करें। यहाँ आपके लिए एक मश्क है। नई मास्टर स्लाइड बनाएं, नया बैकग्राउंड बनाएं, कंटेंट ओवर कंटेंट टाइटल के लिए लेआउट तब्दील करें। चेक करें क्या होता है जब आप मास्टर स्लाइड पर लेआउट का इतलाक करते हैं। नई स्लाइड दर्ज करें और खाली लेआउट का इतलाक करें। टेक्स्ट बॉक्सेस का इस्तेमाल करें और इनमें कॉलम्स जोड़ें। इन टेक्स्ट बॉक्सेस को फॉर्मेट करें। इन बॉक्सेस में टेक्स्ट दर्ज करें। दर्ज ज़ेल लिंक पर दस्तियाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करके वर्कशॉप्स भी चलाते हैं। इनको सनद भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं।
मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे हुकूमत हिंद के MHRD वजारत के कौमी खानदगी मिशन ने ICT के जरिए हिमायत की है। इस मिशन पर मजीद मालूमात spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर दस्तियाब हैं। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया।